छतरपुर पुलिस ने युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में खुलासा कर दिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। बीती शाम महोबा रोड पर प्रशांत कुशवाहा पर बाइक सवारों ने गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के दौरान मौजूद घायल के दोस्तों ने राजनीतिक रंग देते हुए बीजेपी नेताओं और उनके साथियों के नाम पुलिस को बताए थे, लेकिन पुलिस को इस मामले में साजिश की शंका हुई। पुलिस ने जब सीसीटीवी की जाँच की तो ये मामला लेन देन का दिखाई दिया। पुलिस ने गहराई से जब जांच की तो पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। दीपक शुक्ला की रिपोर्ट पे एक करण सिंह ठाकुर और प्रदीप सिंह, इन दो के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हुआ है। दीपक शुक्ला के घर के पास जाकर के फायरिंग किए थे, जिसमें दीपक शुक्ला के जो दोस्त हैं प्रशांत कुशवाहा, उसको गोली लगी थी। उसको अस्पताल ला करके प्राथमिक उपचार कराया गया और उनकी तरफ से मौके पर वेरीफाई की गई, और जो 6-7 लोगों के नाम बता रहे थे उन्हीं लोगों के द्वारा बाद में बताया गया कि वो किसी के कहने पे, उसके भाई जो हरिओम शुक्ला है उसके कहने पे, क्योंकि पुरानी बुराई में दूसरों का नाम लिखाना चाह रहा था, इसलिए उनके कहने पे इन लोग 6-7 लोगों के नाम ले। तो ओरिजिनल घटना ये है, इसमें दो लोग थे, दोनों लोग। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।